राधे कृष्णा दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों, आप हमारे लाइव सेशन से जुड़कर अपने जीवन के किसी भी सवाल के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशन हमारा बिल्कुल निशुल्क होता है, फ्री होता है। आप लोग जो चैट है आपकी, वहां पर हमारा लिंक दिया होगा, वहां आप क्लिक करके और डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। आप लोगों के मैसेज नहीं सीन हो रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारद्वाज लाइव के विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आप लाइव कमेंट, लाइव चैट पे जाकर लिंक पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। यह सेशन बिल्कुल निशुल्क होता है, निशुल्क परामर्श आपको दिया जाएगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं, जीवन के किसी भी सवाल के बारे में आप जान सकते हैं, या कुछ भी आपको जानना है आप कनेक्ट हो सकते हैं। एमएस प्रणाम। चैट पर लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। पंकज कुनार, स्वागत है आपका। आप सभी लोग जुड़ जाइए और एक एक करके आप लिंक पे क्लिक करें और आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। पंकज राधे राधे। रोहन तिवारी, स्वागत है आपका। लिंक पे क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। चैट में आप अपनी डिटेल सेंड नहीं करें, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। आज जो लाइव सेशन है, गेस्ट वाला लाइव सेशन है। हमारी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी? अगर कुछ जानना है तो डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ेगा आपको।
रोहन तिवारी। आपकी साइड से शायद नेटवर्क इशू है, इस वजह से शायद कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है। हेलो, हेलो रोहन। हेलो, हेलो। जी रोहन हाँ जी सर, जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। बताए रोहन, जन्म डेट बताइए आपकी। 10 अगस्त 19 1996, जन्म टाइम 12:15 PM जबलपुर। रोहन, 10 अगस्त 1996 शनिवार के दिन आपका जन्म है, 12:15 PM जबलपुर। जी 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 रोहन, आपका जन्म तुला लग्न में है, मिथुन आपकी जी राशि बनती है, आद्र आपका नक्षत्र है, गुरु की महादशा प्रेजेंट में आपकी चल रही है। गुरु में राहु का समय प्रेजेंट टाइम ज्यादा अच्छा तो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई दशाओं का समय निकलता है, क्योंकि आपकी दशाएं चेंज होती हुई दिख रही है। जनवरी जी 2026 तक गुरु राहु का समय रहेगा। वैसे जी बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में पराक्रम के स्वामी हैं, मेहनत करवाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाते हैं, जी और उसी का टाइम आपका चल रहा है। जी सफलताएं तो आपको मिलेंगी, लेकिन प्रेजेंट का जो समय चल रहा है वो थोड़ा स्ट्रगल का चल रहा है। मतलब आप ओके मान के चलिए कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट समय भी है, पीक समय आपका चल रहा है, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटी या कह सकते हैं कि सक्सेस की ओर आप जाते हुए दिख रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, अभी जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ मतलब वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, मतलब और प्लस मतलब कि करना पड़ रहा है, मतलब ऐसा मैं करना नहीं चाहता बट वो करना पड़ रहा है, ऐसा मतलब स्थिति चल रही है, मतलब स्टक हो गई है, मतलब क्या जॉब नहीं कि करना चाहते हैं क्या आप? नहीं सर, जॉब मैं कर रहा हूँ मतलब घर चलाने के लिए उससे जॉब करना पड़ रहा है, बट मैं जी उसको अच्छा लॉन्ग टाइम में नहीं देखना चाह रहा हूँ उस चीज को, जॉब को। अच्छा खुद का कुछ प्लान कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ सर, क्रिएटिव फील्ड में बताइए ना सर, थोड़ा का मेरा इंटरेस्ट बहुत तेज है, मैं मतलब उसकी क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ अभी बहुत सी चीजों की, तो उसमें कुछ बताइए अगर आगे कुछ हो सकता है। देखो, लग्नेश आपके वीनस हैं, शुक्र हैं। हाँ जी करियर तो आपका क्रिएटिव क्षेत्र में ही रहेगा, हाँ जी लेकिन प्रेजेंट का समय अनुकूल नहीं है उस खुद ओके के कार्य के लिए, बिजनेस के लिए मान सकते हैं। अभी इतना इम्पोर्टेंट समय जो चल रहा है आपका, वो अभी जॉब को लेकर ही चल रहा है। अगर आप अपना कुछ प्लान करते हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो जी उसमें प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। अगस्त के बाद में आप प्लान करें, अभी सोच सकते हैं, लेकिन करना नहीं है आपको। ओके सर, ये टाइम इकतीस अगस्त के पीरियड बाद में, 31 अगस्त के 30 अगस्त बाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। जी, जी 31 अगस्त ओके 31 अगस्त 2024 से बुध का समय स्टार्ट हो जाएगा, यहां से आपको अपॉर्चुनिटी दिखने शुरू होगी, और जो सक्सेस का टाइम होगा आपका स्टार्टअप के ओके अंदर, वो होगा दो ओके हजार टू पच्चीस थाउजेंड ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट ईयर से मतलब सर जी। जी, मतलब अगस्त के बाद से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी बिल्कुल, अगस्त अगस्त। के बाद से काम बनने शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी जो है आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगे।
और कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर आप जाएंगे। ओके सर, जो अभी कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें करता रहूँ एटलीस्ट जब तक टाइम सही नहीं आ रहा है। अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे चलने दीजिए। ओके ठीक है, प्रैक्टिस का टाइम आपका, और ये तो आप करेंगे लंबे समय तक करेंगे। तो मतलब लाइन सही है ना सर, ऐसा तो नहीं मतलब मेहनत करते जाएं और मतलब अपन को सक्सेस अपॉर्चुनिटी ना मिले, मतलब ऐसा तो नहीं, लाइन सही है मतलब कुंडली के हिसाब से वो मैच खा रही चीज। जी बताएं सर, मैं बोल रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब कुंडली के हिसाब से सही है, जो मेहनत करते जाए मतलब ऐसा कि मैं ऐसा तो नहीं आगे चल के वो सपोर्ट ना करे कुंडली, ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। करते जाए रोहन, किसी के अंडर में रहकर तो आप वैसे भी काम नहीं कर सकते। ओके आपके करियर में, करियर स्थान पर सूर्य विराजमान है, इंडिपेंडेंट काम करते हैं, खुद का ही करेंगे, और लगन के स्वामी आपके शुक्र रह गए तो ये क्रिएटिव कार्यों से ही कनेक्ट करते हैं। नौकरी में आपको ज्यादा लाभ है नहीं, ना सक्सेस मिलेगी आपको जी, किसी हाँ, से अंडर में रहकर आप कर भी नहीं पाएंगे। और अभी जो समय चल रहा है कंफ्यूजन का चल रहा है, राहु का जो टाइम होता है, लेकिन जो उतरती हुई दशा होती है, मैंने सबसे शुरू में कहा है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन दशाएं जो है ना बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। जब कोई भी दशा चेंज होती है तो उससे पहले कुछ ना कुछ चेंजेस करवाती है जीवन में, चाहे वो करियर हो या लाइफ के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस करवाती है। तो लेकिन जो आपके चार्ट में पॉजिटिव चेंजेस के ज्यादा योग बन रहे हैं। ओके सर, तो चेंज करवा रही है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, बस आप इसे रेगुलर करते रहो। जी जी हाँ जी सर, अभी जो प्लान कर रहे हो। ओके जी, हाँ जी, अभी जो आप प्लान कर रहे हैं इसके बारे में आप आगे सोचिए, ठीक रहेगा। ओके सर, सर तो मतलब करते रहे ना, सपोर्ट करेगी ना सर कुंडली। क्या होता है कभी कभी अपन जो चीज करना चाहते हो क्या होता है वो कुंडली सपोर्ट नहीं करती, बहुत बार ऐसा सुना है मतलब कि आप कोई मतलब इसमें मेहनत कर रहा है लेकिन उसका चांस कहीं और, मतलब कुंडली कहीं और दर्शाती है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो वही चीज था कि जो मैं कर रहा हूँ मतलब इसमें कुंडली सपोर्ट करेगी कि नहीं, मतलब वही चीज थी बस। रोहन कुंडली तो सपोर्ट करती है, होता है कि टाइमिंग का फर्क हो जाता है। हाँ जी टाइमिंग मतलब कई बार गलत समय पे हम कुछ चीजों को क्लिक कर लेते हैं। गलत समय, तो समय इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला साल तो ऐसे जाएगा आपका, सक्सेस तो अगले साल से, सक्सेस अगले साल से। तो अगस्त के बाद में संभावनाएं बनेंगी, आप कार्य में जुड़ सकते हैं, लेकिन सक्सेस तो नेक्स्ट ईयर ही मिल रही है। अगर आप 2023 की बात कर रहे होते हैं तो मैं आपको ये कहता कि नहीं है, आपको योगी नहीं है, क्योंकि योगी बहुत आगे बन रहे हैं। अगर आप शुरू भी करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि सक्सेस नहीं मिल पाती आपको। ओके सर, तो समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ रेमेडीज भी मैं आपको बता देता हूँ, कर लेना जी सर, अच्छा रहेगा आपके जी। वैसे तो देखो आपकी जन्म कुंडली में एक से अधिक राजयोग बने हुए हैं, जैसे लक्ष्मी योग आपकी जन्म चार्ट में बना हुआ है, चंद्रमा बृहस्पति एक दूसरे को देख रहे हैं, सूरज केसरी योग का भी निर्माण करता है, चंद्रमा शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया राजयोग है आपकी कुंडली में जी सर। बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी, एक तो नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है जी जी जी। आप जो करना चाहेंगे कुछ लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, अपने ज्ञान से अपने विवेक से वो आपको जो देंगे बताएंगे वो कहीं ना कहीं गलत होगा आपके लिए जी। कुछ चीजें कुछ लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, उनसे आप दूर रहना है जी सर। सही गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी रह गए, ये शत्रु पक्ष के स्वामी है जी, शत्रु स्थान के स्वामी है, और कहीं ना कहीं चीजों को खराब करने की कोशिश करेंगे ये जी।
आपको गुरुवार के दिन जो केले हैं वो आपको दान करने हैं। हाँ जी, आपको बंदरों को भी खिला सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। जी सर, आप केलों का दान करें, केले खिलाएं, आपके लिए जो है काफी अच्छा रहेगा। जी, और मस्तिष्क पर डेली तिलक लगाया करें। जी, मस्तक पे सर तिलक कौन सा, मतलब कोई भी की मतलब? हल्दी, हल्दी और चंदन, हल्दी और चंदन मिक्स करके। ओके, हाँ, हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए आप। एक रुद्राक्ष, क्योंकि हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। खाली वो चेन जो आती है एक रुद्राक्ष की माला जो सिंपल आती, वो वाली? वो सही नहीं आती है। ओके, तो मतलब कैसी लेना माला? रुद्राक्ष मिल जाएगा आपको मार्केट में। अच्छा अच्छा, ठीक है, सिंगल रुद्राक्ष, उसको आप चांदी की चेन में बनवा कर भी धारण कर सकते हैं। चांदी की चेन में? ओके जी, उसमें भी आप धारण कर सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, जो मतलब मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई तो उसका कोई कारण, मतलब मेरी एजुकेशन उतनी सही नहीं गई, मतलब बहुत रुक रुक के बाधाएं के साथ चीजें हुई हैं, तो उसका कुछ कारण? देखो रोहन, आपके चार्ट में शनि नीच राशि के, सॉरी, शनि छठे भाव में विराजमान है, केतु के साथ में। एजुकेशन को प्रभावित करते हैं शनिदेव, वक्री भी है, छठे भाव में बैठ गए, ऐसे जब तक एजुकेशन पूर्ण कर ही नहीं पाते हैं। अगर करते हैं तो बहुत मुश्किलों के बाद में अप डाउन उनके जीवन में बल लगा रहता है, वो समस्याएं बहुत आती है एजुकेशन में। पंचम स्थान शिक्षा का स्थान होता है जो प्रभावित है, पंचम स्थान ही लव अफेयर का स्थान भी है, वो भी प्रभावित रहता है। जी, बाकी एजुकेशन से तो ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, मतलब आपकी अगर एजुकेशन जो रही है उससे ज्यादा आपके अंदर टैलेंट है। जी सर, ओके, और काफी अच्छा करेंगे आप। एजुकेशन से आपके करियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आपकी जन्म कुंडली में जो लक्ष्मी योग है, जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप। ओके सर, मतलब सर जो अभी कर रहा हूँ फिर वो करता रहे ना सर, अभी मतलब है ना उस पे कैरी रहता हूँ, टाइम निकालते हैं मतलब अगस्त तक, नेक्स्ट ईयर तक, एक साल तकरीबन मेहनत पे काम करते हैं अपने, फिर देखते हैं मतलब आगे जैसा आप बता रहे हैं। जी, जो आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस पे अभी तो आपको और एनालाइज करने की जरूरत है। जी, अगस्त के बाद में ऐसे मौके मिलेंगे, आप कर लेंगे। ओके सर, मतलब सफलता सर अच्छी खासी मतलब मिल जाएगी, मतलब सक्सेस तो मिलेगी, आपके जन्म कुंडली में राजयोग है, सक्सेस तो मिलेगी। जी, ओके सर। गणपति जी नमस्कार, गणपति शर्मा। कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे लिंक है ऊपर चैट के जस्ट ऊपर, हमारा लिंक है जो पिन होगा, वहां पर आप क्लिक करके और कनेक्ट हो सकते हैं। मीनाक्षी हैं, मैं क्लिक कर लेता हूं। कुछ लोग फेसबुक से भी कनेक्ट हैं, फेसबुक से मीनाक्षी करके है जिनसे कनेक्ट होंगे। मीनाक्षी, अपनी जन्म डिटेल दीजिए मुझे। आवाज सुन पा रहे हैं आप?
मीनाक्षी, दस नौ 91। टाइम बताएं। YouTube पे आप Facebook से हैं या YouTube से? चौदह 25। कोटा राजस्थान से। परशुराम यादव स्वागत है आपका। मीनाक्षी आपकी डिटेल धनु लग्न की कुंडली है, आपकी कन्या राशि है और इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। जन्म कुंडली में सबसे बेस्ट अगर टाइम है तो वो आपका चल रहा है इस समय। बृहस्पति लग्नेश सुकेश है, भाग्य स्थान पे विराजमान है। बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, शश योग, बहुत सारे आपके जन्म कुंडली में राजयोग चल रहे हैं और जो भी प्लान कर रहे हैं वो आप प्राप्त कर लेंगे और बहुत कुछ प्राप्त आपने कर लिया होगा, ऐसा आपका जन्म कुंडली कहती है। जय ललिता स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। तो मीनाक्षी क्या सवाल है आपका, सवाल करिए। अभी आप सेकंड ग्रेड में हैं, लेक्चरर के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मीनाक्षी सेकंड ग्रेड में तो आपके हो चुका है जैसा कि आप बता रहे हैं और लेक्चरर में भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही प्रबल योग है और आप मान के चलिए कि जो टाइम चल रहा है आपका ये वाला साल बहुत अच्छा है। 2024 और 2025 आपके जीवन के सबसे बेस्ट टाइम में से है। हमने आपको पहले यही कहा था कि बहुत कुछ प्राप्त आपने कर लिया है और जो बाकी है वो आप कर लेंगे, तो समय ठीक है, प्रयास करते रहिए अपने साइड से, आपका हो जाएगा। काफी मेहनती हैं और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कर लिया है आपने। एक उपाय बता देता हूं मैं आपको जो आपको डेली करना है। शिवलिंग अपने घर पे ले आइए और डेली उनका जल से अभिषेक करें। शिवलिंग घर पे लाकर उनका अभिषेक करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपके पास और भी कोई सवाल होंगे क्योंकि आपका लाइफ जो है सबसे बेस्ट चल रहा है। विवाह आप अभी करना नहीं चाहते हैं लेकिन कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपके जो माइंड में है विवाह का बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। चलिए ओके। जय ललिता ओ गणपति दिया मंडल। आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट होना होगा, ऊपर लिंक दे रखा होगा आपको हमारे नाम चैट में, ऊपर लिंक है वहां पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अविनाश स्वागत है आपका। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। मैं YouTube पे लाइव लेता हूँ अभी 8% पे अगर देखते हैं तो Facebook पे बहुत सारे हमारे लाइव चल रहे हैं लेकिन YouTube पे बहुत कम, क्योंकि YouTube को हम ज्यादा प्रीफर देते हैं। YouTube को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप, हमारा जो सेशन है इसको शेयर करिए। Facebook पे जब भी हम लाइव होते हैं तो 100+ ही हमारे जो है बनते हैं। आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक दिया होगा ऊपर,
उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अविनाश, सवाल है कि लग्जरियस लग्जरी कार और मकान मिलेगी क्या लाइफ में? चैट का नहीं लेंगे हम, आप लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा। चलिए आप लोग अविनाश ऊपर चैट के ऊपर हमारा नाम के आगे एक लिंक दिया होगा, मैं आपको लिंक दोबारा से सेंड कर देता हूँ। इस लिंक पे क्लिक करके और आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो, अविनाश आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया है आपका। चलिए दोस्तों, आप लोग जो कनेक्ट हुए हैं उनको हमने बता दिया, और अब आगे शाम को हमारा लाइव सेशन होगा जिनका आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लोगों तक भी पहुंचाएं, वो भी अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर या अपने लोगों के बारे में को आप उनको शेयर करिए। अपनी जो सेशन है, हमारा जो सेशन है, ये शेयर करिए। इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और फिर शाम को सेशन लेने की कोशिश करेंगे। शाम को 6 बजे बाद अगर समय मिला तो सेशन जरूर लेंगे। गणपति शर्मा, देखिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको एक लिंक हमने भेज दिया कि उसपे क्लिक करोगे ना हमारे पास, आपका डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। रिप्लाई तो हम कर ही रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच रहा है। आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो, आपके लिए एक ऑप्शन हमने बनाया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा आपके तो। अभी हमारा लाइव सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर कोशिश करेंगे शाम को, नहीं तो फिर कल हमारा लाइव सेशन होगा। इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।